क्या बलात्कार की घटनाएं संस्थागत हो रही है? देश भर में हो रही बलात्कार की घटना हमारे समय को परिभाषित कर रही है कि नारी होना कितना मुश्किल है। जिस महिला के साथ बलात्कार घटना होती है उसके मन की व्यथा कौन समझ सकता है? लगता है भारत में महिला होना और ऊपर से दलित होना गुनाह है। एक हफ्ते के अंदर देश भर के कई हिस्सों में रेप की घटनाएं सामने आई है। पहले हाथरस, फिर बलरामपुर, फिर नरसिंहपुर, फिर पिपरिया और अब मुरैना जिले के कोलारस में दलित छात्रा मृत अवस्था में नदी में मिली है। ये सारी घटनाएं बता रही है कि हमारा समाज बीमार, वहसी और अमानवीय बन चुका है। देश भर में हुई बलात्कार की घटनाओं का इतिहास ये भी रहा है कि अधिकतर रेप की घटनाएं दलित महिलाओं के साथ होती है। सिस्टम की नाकामी के कारण उनको न्याय मिलने में भी कई साल लग जाते हैं। शायद यही वजह है कि आज सरकार और प्रशासन हर कोई बलात्कार के सवाल से भाग रहा है। लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी है। पकड़ ली गई होगी, अक्सर यही होता है खेतों में। वरना हाथरस में बलात्कार का शिकार हुई बेटी का शव आधी रात को नहीं जलाया जाता। हाथरस की घटना को गुजरे कई दिन हो चुके हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया है कि रात के अंधेरे में पीड़िता का शव जलाने का फैसला किसका था, किसने आदेश दिया था। देश के कई नेता पीड़िता के परिवार से मिले। 48 घंटे तक SIT की टीम गांव में रही। 8 दिन तक पीड़िता के गांव में मीडिया जमावड़ा लगा रहा, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि रात के अंधेरे में पीड़िता को जलाने का फैसला किसका था। कोई नहीं चाहता कि वह सवालों का सामना करे, हुकूमत ये भी नहीं चाहती कि उससे कोई सवाल करे। आज हमारा समाज इतना बीमार हो चुका है कि उनको सही और गलत का फर्क तक नहीं पता। गोदी मीडिया ने समाज को प्रोपोगंडा के भयंकर जाल में फंसा दिया है, जहां से उनका निकलना मुश्किल है। इस बात को हम एक क्रोनोलॉजी से समझ सकते हैं कि जब जब कहीं बलात्कार की घटना होती है तो सत्तारूढ़ दल के नेताओं को अक्सर आरोपियों के पक्ष में रैली निकालते या समर्थन करते देखा गया है। चाहे वह कठुआ कांड हो, उन्नाव कांड हो या फिर हाथरस कांड हो। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आरोपियों के पक्ष में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें लोग तिरंगा हाथ में लेकर सामने आए। समर्थन में रैली भी हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और तत्कालीन PDP BJP सरकार में मंत्री भी शामिल हुए थे। लाल सिंह वन मंत्री और चंद्र प्रकाश वाणिज्य मंत्री ने आरोपियों के समर्थन में बयान दिया था। उन्नाव केस में साक्षी महाराज का जेल में कुलदीप सेंगर से मिलना बताता है कि उनको सत्ता का समर्थन प्राप्त था। और अब हाथरस कांड के चारों आरोपियों से मिलने स्थानीय BJP सांसद राजवीर सिंह दिलेर जेल पहुंचे, लेकिन जेलर ने उन्हें मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा आरोपियों को बचाने के लिए सवर्णों द्वारा 12 गांवों में महापंचायत बुलाई गई। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बलात्कार के आरोपियों को बचाने के लिए खुद सिस्टम के लोग रैली करें, समर्थन करें या आरोपियों से मिलने जेल में जाएं, तो क्या इसे संस्थागत बलात्कार नहीं कहा जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब कौन देगा? अगर सिस्टम में बैठे लोग ही बलात्कारियों का समर्थन करेंगे तो बेटियों को इंसाफ कैसे मिलेगा, उनको न्याय कौन दिलाएगा?